नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे सलमान नदवी पर अमरनाथ मिश्रा ने एक बड़ा आरोप लगाया है। मिश्रा का कहना है कि नदवी मस्जिद का दावा छोड़ने के एवज में 5,000 करोड़ की डील चाहते थे। राम जन्मभूमि सद्भावना समिति के अध्यक्ष और श्री श्री रविशंकर के सबसे करीबी अमरनाथ मिश्रा ने आरोप लगाया है कि जिस फॉर्मूले को लेकर सलमान नदवी और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष श्री श्री रविशंकर से मिलने गए थे, उस फॉर्मूले के पीछे एक बड़ी डील करने की तैयारी थी। अमरनाथ मिश्रा ने कहा कि ये फॉर्मूला दरअसल उनका था, जो उन्होंने 5 फरवरी को सलमान नदवी और दूसरे मुस्लिम नेताओं को दिया था, लेकिन उसी मुलाकात के दौरान नदवी ने इस डील की एवज में 5,000 करोड़ रुपए, अयोध्या में 200 एकड़ जमीन और राज्यसभा की एक सीट मांगी थी। अमरनाथ मिश्रा के मुताबिक उनसे ये बात इसलिए कही गई ताकि नदवी की ये बात मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा सके और किसी तरह ये डील पक्की हो सके।